हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल एग्रिकुलम टुडे वी विल स्टार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड आज का टॉपिक है गोल इज एन आइडिया ऑफ़ द फ्यूचर और डिजायर रिजल्ट दैट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विजन प्लान And commit to achieve by Locke and Gary in नाइनटीन नाइन्टी लोग जो है वो एक goal decide करते हैं अपने future को लेकर and उनकी ये desire होती है कि अच्छा result मिले वो इसके लिए plan करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से and commit करते हैं कि वो उनको achieve कर सके अपने goals को life में फर्स्ट स्टेप टूअर्ड्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर गोल पहला स्टेप होता है जब हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम वर्क टू रिलेशनशिप्स एंड एवरी थिंग इन बिटवीन अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल

इम्पॉर्टेंस इज़ डिटरमाइंड बाई अ गोल एट्रैक्टिवनेस इंटेंसिटी रिलिवेंस प्रायॉरिटी एंड साइन इम्पॉर्टेंस कैन रेंज फ्रॉम हाई टू लो अब इसमें गोल में इम्पॉर्टेंस क्या होता है इंपॉर्टेंस आप ये डिटरमाइन करता है कि आपके गोल में आप कितने डिटरमाइन हो अपने गोल को लेकर क्या इंटेंसिटी है क्या प्रायोरिटी आप दे रहे हो क्या साइन है अपने गोल को लेकर एंड इम्पॉर्टेंस हाई से लो भी हो सकता है डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्टी इज़ डिटरमाइंड बाई जनरल एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दी गोल डिफ़िकल्टी ये डिनोट करता है कि आप अपने गोल को कितने टाइम में कितना टाइम देते हो अचीव करने में

लोअर आपका सब गोल्स क्या है देन आपके जो मेन गोल होते हैं वो क्या है क्योंकि एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे आपके सब गोल सब गोल्स को भी अचीव करना पड़ता है देन आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते हो टेम्पोरल रेंज इज़ डिटरमाइंड बाय द रेंज फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिजिटल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द गोल टेम्पोरल रेंज ये डिटरमाइन करता है कि इंटरमीडिएट से लेकर डिलेड क्या रेंज है आपकी ड्यूरेशन क्या है आपके गोल को अचीव करने का लेवल ऑफ़ कॉन्सिकनेस रेफर्स टू अ पर्सन कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ अ गोल अवेयरनेस इज़ टिपिकली ग्रेटर फॉर प्रॉक्सिमल गोल्स दैन डिजिटल गोल्स अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी

the fathers of goal setting theory provided a comprehensive review of the core findings of the goal setting theory and summarized that specific difficult goals lead to higher performance than either easy goals or instructions to you do your best as long as feedback about process is provided the person is committed to the goal and the person has the ability एंड नॉलेज टू परफॉर्म द टास्क एडमिन लॉकी एंड गैरी ये फादर्स थे गोल सेटिंग थ्योरी के इस थ्योरी से हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये बताया था कि जितने डिफ़िकल्ट गोल होंगे आपके उतना ज़्यादा ही हायर परफॉर्मेंस होगा आइदर देन इजी गोल्स इजी गोल्स तो आप आसानी से अचीव कर सकते हो बट जो हाई हायर लेवल ऑफ़ गोल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखाना पड़ता है एंड बेस्ट से बेस्ट करना पड़ता है एंड जो ये गोल जो हायर लेवल ऑफ गोल्स करते हैं उनके पास ये एबिलिटी एंड नॉलेज होती है कि अपने वो टास्क को अच्छे से परफॉर्म करें एंड गोल के तरफ अच्छे से ध्यान दें सो अकॉर्डिंग टू लॉकी एंड लेंथ द गोल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग वेज इन लोगों के कारण गोल्स अफेक्ट होते हैं इन सारे परफॉर्मेंस के कारण द फर्स्ट वन इज़ गोल्स डायरेक्ट अटेंशन एंड एफर्ट टूट गोल रिलेवेंट एक्टिविटीज़ द सेकेंड इज डिफिकल्ट गोल्स लीड ग्रेटर एफर्ट सो जितने डिफ़िकल्ट गोल होंगे आपके उतना ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा द थर्ड इज गोल्स इंक्रीज प्रसिस्टेंस विद डिफ़िकल्ट गोल्स प्रोलॉगिंग एफर्ट गोल्स इंक्रीज करते हैं आपके प्रसिस्टेंस को एंड डिफ़िकल्ट गोल्स आपके एफर्ट्स को लगातार बढ़ाता है गोल्स इनडायरेक्टली लीड टू अराउजल एक अराउजल आपके अंदर आती है कि आप उसको अचीव कर सको एंड टू डकवरी एंड यूज ऑफ टास्क रिलेवेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटजीज आप अच्छे से अपने टास्क को करो बेस्ट नॉलेज के साथ एंड स्ट्रैटजीज भी अच्छे होनी चाहिए अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग सो फर्स्ट सबसे पहले है बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग एंड टास्क परफॉर्मेंस लॉकी एंड लैथमन सजेस्टेड फाइव की प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल गोल अचीवमेंट द फर्स्ट इज़ कमिटमेंट कमिटमेंट होना चाहिए अपने गोल को लेके द सेकंड इज़ क्लैरिटी एक क्लैरिटी भी होना चाहिए कि आप किस चीज़ में क्या करना चाहते हो क्या करना चाहते हो अपने फ्यूचर में द थर्ड इज़ चैलेंजिंग वो चैलेंजिंग होना चाहिए द फोर्थ इज़ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी टास्क होना चाहिए उसमें बहुत सारे एंड दिफ्थ इज़ फीडबैक फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है So, अब देखेंगे स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल गोल गोल सेटिंग सेटिंग एक के लिए क्या क्या चीजें स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं हॉस्टन सजेस्टेड सम इसल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट दीज स्किल्स कैन बी लर्न एंड डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन टाइम मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी सेल्फ रेगुलेशन एंड लास्ट इज कमिटमेंट एंड फोकस ये सारी चीजें आपको एक गोल सेटिंग के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो आप करते हो लेट्स मूव टू मिशन ऑफ लाइफ मिशन इज़ एन इम्पॉटेंट गोल और पर्पस दैट इज अ कम्पेन बाई स्ट्रोंग कन्विक्शन मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल रोल प्ले करता है मिशन इज सिंपल स्टेटमेंट दैट क्लैरिफाई व्हाट यू आर ऑल अबाउट एंड वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ मिशन ये बताता है कि क्लैरिफाई करता है कि आप क्या करना चाहते हो एंड आप लाइफ में क्या करना चाहते हो द थर्ड पॉइंट इज पर्सनल मिशन स्टेटमेंट इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ वॉट वन वांट्स अचीव इन हिज़ लाइफ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट्स ये एक्सप्लेन करता है कि कोई एक इंसान क्या अचीव करना चाहता है अपने लाइफ में ये डिक्लेरेशन होता है एक इंडिविजुअल पर्पज़ का एंड उसके पाथ इन लाइफ Emphasizing what is truly important to to him or her, it lays out core values, expectations, pledge to other people and measurement of success. Her किसी के अलग अलग कोर वैल्यूज होते हैं एक्सपेक्टेश pledge होती है एंड मेजरमेंट ऑफ सक्सेस उस तरीके से वो सक्सेस अचीव करता है अपने लाइफ में अब देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट अगर हो आपके पास तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो देर आर मेनी बेनिफिट्स टू क्रिएटिंग अ मिशन स्टेटमेंट टू हेल्प यू रीच योर गोल्स आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक मिशन स्टेटमेंट के थ्रू द फर्स्ट इज डिफाइन्स हु यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट आप कौन हो और आप क्या चाहते हो प्रटाइजेस फॉर द बिग पिक्चर एक बड़े ही Uh, एक बड़ा पिक्चर को प्रायोरिटाइज करो आप देखो बड़े चीज़ों के बारे में सोचो द थर्ड इज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस फोर्थ इज क्रिएट्स फोकस फिफ्थ इज कीप्स योर मोटिवेटेड द सिक्स्थ इज सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग सेवेंथ इज हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक एट इज होल्ड्स यू अकाउंटेबल अब देखेंगे हम स्टेप्स ऑफ राइट अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से ये करते हैं लोग स्टेप वन लुक एट अदर पीपल्स लाइफ अलग अलग लोगों के लाइफ्स को जानना देखना किस तरीके से लोग रह रहे हैं द सेकेंड पॉइंट इज डिटरमाइन योर आइडियल सेल्फ आप अपने आप को जानो देखो कि क्या है क्या नहीं क्या सही है क्या गलत है आप में स्टेप थ्री वॉट डू यू वॉन्ट योर लेगेसी टू बी आप क्या चाहते हो आपकी लेगेसी क्या हो आगे जाकर स्टेप फोर फाइंड योर पर्पज़ अपना पर्पज़ ढूँढना दी फिफ्थ इज डिफाइन योर एबिलिटीज़ आप में क्या क्या एबिलिटीज़ है वो डिफ़ाइन करना स्टेप सिक्स डिफाइन योर स्पेसिफिक गोल्स आपके छोटे छोटे स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं पहले वो डिफ़ाइन करना दि सेवन इज ड्राफ्ट योर मिशन स्टेटमेंट फिर अपने मिशन स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना बताना स्टेप इट रिफाइन एंड लास्टली उसको रिफाइन करना उसे अपने लाइफ में उसको ये वर्क करना उस पर अब देखेंगे विजन ऑफ लाइफ विजन इज देंटल पिक्चर ऑफ़ द फ्यूचर वन डिज़ायर विजन ऑफ लाइफ ये है कि एक मेंटल पिक्चर होती है आप अपने फ्यूचर को ले कर जो देखते हो आपके विजन क्या है लाइफ को लेकर द सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ पिक्चर ऑफ एक्सेलेंस समथिंग दैट द परसन टीम और ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू क्रिएट इन इट्स बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एक पिक्चर क्या है एक एक्सीलेंस है या पर्सन के लिए वो ऐसी चीज़ है जो अपने वो फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता हो वो वो देखता है अपने बारे में इट इज़ व्यूड एज मेंटल पिक्चर ऑफ कंपेलिंग फ्यूचर सिचुएशन द लास्ट पॉइंट इज अ विज़न इज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर क्रिएटिंग प्लान सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मेकिंग डिसीजन एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड इवेल्यूएटिंग दर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट लार्ज और स्मॉल विजन एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जो क्रिएट कर क्रिएटिंग इसमें हम प्लान्स को क्रिएट करते हैं सेट करते हैं गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजन बनाते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एंड लास्टली इवेलुएट करते हैं चीज़ों को जिसमें हम अपने काम पे अच्छे से फोकस कर सके एंड जो हमारा विजन है अपने लाइफ को लेके उसको अचीव कर सकें एंड अब देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ विज़न

अनिशियज इनर पोटेंशियल ऑफ पीपल जो आपके अंदर के इनर पोटेंशियल होता है उसे भी बाहर निकालता है विजन मेक्स पीपल मोर डिटरमाइंड एंड फोकस बहुत ज्यादा डिटरमाइंड करता है लोगों को फोकस्ड करता है विजन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है अब देखेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव विजन एक विजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है सबसे पहले फ्यूचर फोकस्ड आपका जो फ्यूचर है वो फोकस्ड होगा एक एक जगह पे डायरेक्शनल हो सकता है क्लियर रिलेवेंट पर्पस ट्रिविन वैल्यू बेस्ड चैलेंजिंग भी हो सकता है यूनिक विविड इंस्पायरिंग ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक है एक इफेक्टिव विजन के एंड अब है क्रिएटिंग विजन फॉर लाइफ सो स्टेप वन इज़ आइडेंटिफाइंग पास्ट सक्सेस सो आप एक विजन ऑफ लाइफ को क्रिएट कैसे कर सकते हो इसके लिए पांच स्टेप्स हैं कुछ जिसमें से सबसे पहले है कि आप आइडेंटिफाई करो आपके पास सक्सेस को क्या है क्या नहीं है आइडेंटिफाई द सेकेंड स्टेप इज़ आइडेंटिफाई करो अपने कोर वैल्यूज़ को स्टेप थ्री आइडेंटिफाई कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेप फोर आइडेंटिफाई गोल्स स्टेप फाइव राइट विजन स्टेटमेंट्स ये सारी चीज़ें करके ये सारे स्टेप्स को आप पूरा करके एक विजन फॉर लाइफ कर सकते हो बना सकते हो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इज लेक्चर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड